बिलाल चौधरी। पता नहीं कौन से गांव के प्रधान हैं आप? ग्राम सलेम सराय। क्या समस्याएं क्या हैं आपकी? समस्या क्या है, समस्या तो यही समस्या है कि ग्राम प्रधान काम कैसे करा पाए भाई। अभी सहायक भर्ती हुई जी, वो भी निधि से जाकर पैसा 6,000 रुपया। हम उससे भर्ती से खुश हैं क्योंकि 102 अच्छे भर्ती हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, और रोजगार भी मिलना चालू हुआ जी। लेकिन इसमें दिक्कत तो यह है ना कि 6,000 रुपये तो उसके हो गए महीने के सहायक के। सार्वजनिक शौचालय बना, सार्वजनिक शौचालय में 9,000 रुपये सार्वजनिक शौचालय के जाते हैं महीने के उस सफाई कर्मी को, तो 15,000 रुपये तो हो गए ये, और 10,000 महीने के हो गए 3,500 रुपये उसके प्रधान के, तो 18,000 रुपये ये अगर उसमें माइनस करोगे तीन महीने में किस्त आती है। पेमेंट कितनी आती है टोटल? तीन महीने में एक किस्त आती है, उसमें 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख रुपए तक की, जो बड़े गांव है 3 लाख रुपए तक की किस्त आ जाती है, और कुछ तो छोटे गाँव में 1 लाख की आती है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए किस्त मान लो जी जी। उसमें से 54,000-55,000 रुपए ये निकाल दो 3 महीने के जी, और तो बचे कितने 90-95,000 रुपए। 90-95,000 रुपए में ये बताओ ग्राम प्रधान क्या काम करा पाएगा भाई, क्या काम करा पाएगा? ना तो रास्ते करा पावे, एक रास्ता छोटे से भी लोगे तो भी 1.5-2 लाख रुपए का बैठेगा जी जी, तो क्या काम करा पावे? जो जनता का विश्वास है वो डूबता जा रहा है, क्योंकि जनता ने विश्वास किया कि भाई ग्राम प्रधान को चुनने हम, हमारे गाँव में विकास होंगे, और विकास करावे कहाँ से जब निधि में कुछ ना है? तो इसमें सरकार को क्या निर्देश देना चाहोगे? सरकार से यही हमारा अनुरोध है सरकार से कि सरकार ने भर्ती करी ठीक है, सरकार इस पेमेंट को जो ये सहायक वाला है और जो सफाई कर्मी वाला है ये अलग से पेमेंट करे भाई, ये पेमेंट अलग से करे सरकार। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने आप पेमेंट इन लोगों का अलग से पेमेंट करे ताकि ये निधि में से नया पे, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना, तो नाले करा पा रही है सरकार। बताओ प्रधान क्या करा पाएगा? कोई गांव में कितने काम होते हैं, नाले होते हैं, नालियां होती हैं, रास्ते होते हैं, तालाब होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सफाई है, तो प्रधान को क्या क्या कर पाएगा जब 3 महीने में उस पर 90,000 या 1 लाख रुपया आएगा, तो वो बताओ उसमें क्या क्या करा पाएगा ग्राम प्रधान? तो सरकार से हमारा एक ही अनुरोध है कि भाई ठीक है आपने भर्ती करी अच्छी है और रोजगार मिला और भी निकाले भर्ती, लेकिन उसको पैसों को तो अलग से करे ना सरकार, सीधे सीधे करे उसको भी, और जो सफाई कर्मी वाला उसको भी, ताकि निधि में से ना जाए और वो निधि का पैसा जो है गांव में खर्च हो जाए।